एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिखा आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सिखा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा, आज हम बात करने वाले हैं मिंत्रा फुटवेयर हॉल के बारे में। तो रिसेंटली मैंने कुछ फुटवेयर परचेज किए थे, कुछ ऑफलाइन है कुछ ऑनलाइन है, पर सारे का आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ ऑफलाइन वाला भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो सारा मिंत्रा पे अवेलेबल है। तो चलो फटाफट वीडियो देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरा इंस्टा आईडी, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको सारे वीडियो के अपडेट पहले मिल जाते हैं। कुछ रील वीडियो, कुछ पोस्ट मैं पहले ही वहां पोस्ट कर देती हूं, तो जाइए और मुझे वहां फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फुटवेयर हॉल। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं एक हील्स की, जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है। तो ये कुछ गोल्डन सिमर में, गोल्ड कलर का सिमर में इस तरीके का पंप है। और बहुत दिनों से मैं कोई थोड़ा कम हील वाला पंप सर्च कर रही थी, तो मुझे लगा ये बेटर है। इसमें 2 इंच आपको हील मिल जाएंगे और पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, बहुत प्यारा लगा मुझे और पहनने में भी बहुत प्यारा लुक दे रहा था। आप इसे साड़ी, सूट, जींस, जिसके साथ भी ड्रेसेज, सबके साथ ये आपका बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये था मेरा फर्स्ट परचेज जो कि था मिंत्रा से, और ये ब्रांड वैन हुसैन से है। और इसका प्राइस मैं भूल गई, थोड़ा टाइम हो गया, पर यहाँ मैं मेंशन करने की कोशिश करूँगी। पर जितने भी आपको फुटवेयर देखने को मिलेंगे वो अंडर 1000 ही होंगे, तो ये शायद अंडर 1000 ही मुझे मिला था। तो ये था मेरा फर्स्ट फुटवेयर जो कि था एक पंप। तो सेकंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रांड एलन सोली से एक बहुत ही प्यारा सा बेली। तो ये कुछ बहुत ही खूबसूरत सा मस्टर्ड, लाइट मस्टर्ड कलर का बेली है। तो उसमें मेरा साइज है UK 7 और Euro 14, और इसमें मेरा साइज 39 है। तो देखो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, वैसे मेरा फुट लेंथ 25.45 ऐसे ही आता है। तो आप फुट लेंथ देखना बिल्कुल भी मत भूले अगर आप फुटवेयर खरीद रहे हो तो। जैसे ही आप साइज पे क्लिक करोगे ना, नीचे आपका फुट लेंथ दिखाई देता है कि ये 40 या 39 किस फुट लेंथ वाले को फिट आता है। तो वहां से आप जाके देख सकते हो, तब आप बिल्कुल भी परफेक्ट साइज में मंगा लोगे अपने लिए फुटवेयर। कभी आपको रिटर्न एक्सचेंज ऐसा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेली में या फिर मतलब फुटवेयर में साइजेस का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। तो ये था मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बेली, बहुत अच्छे प्राइस में ये मुझे मिला है। और ये मैं ऑफलाइन लेके आई थी, पर ऑनलाइन ये 2-3 कलर में अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बस नेक्स्ट देख लेते हैं अपना प्यारा सा फुटवेयर कौन सा है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोफर्स। ये मैंने ब्लैक कलर में इसलिए ही मंगवाया है क्योंकि ये किसी भी आपके आउटफिट के साथ मैच कर जाता है ब्लैक कलर। तो आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है, और अब ये थोड़ा बाकी उसे छोटा लग रहा है, पर ये बहुत ही परफेक्ट मेरे पैर में, मुझे भी देखने में थोड़ा छोटा लग रहा था। और साइजेस भी ये 38 है, मतलब सारे अलग अलग साइज में मैंने लिया है क्योंकि मैं अपने फुट लेंथ को जरूर देखती हूँ किस फुट लेंथ में कौन सा साइज आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ब्रांड टू ब्रांड सारे प्राइस और सॉरी सारे साइज वैरी करते हैं। तो आप इसमें मैंने मंगवाया है, जबकि दोनों दो मैंने जो बेली और लोफर्स हैं दोनों एलन सोली से हैं, पर दोनों में भी मेरा साइज अलग अलग आया। तो ये था एक लोफर्स जो कि अगेन एलन सोली से था, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मतलब 2000 का था और ऑफ में मुझे 1200 या समथिंग में मिला था। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो डेट्स वाई मैंने इसे परचेज कर लिया। तो लास्ट हम देखेंगे एक रनिंग शूज। आपको थोड़ा गंदा सा लग रहा है क्योंकि इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ, मतलब 1 मंथ तो मुझे हो गए होंगे, और ये अंडर 1000 में इतना अच्छा रनिंग शूज है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वॉक के लिए खरीदना चाहते हो, रनिंग के लिए खरीदना चाहते हो, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा। और
कलर भी बहुत अच्छा है और मुझे कोई ऐसा सूट चाहिए था ना जिसमें लेसेस बांधने की झंझट ना हो, वो मुझे काफ़ी ट्रिकी लगता है और कहीं भी जाओ तो उसे बार बार पहनो खोलो, उसे मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी इस टाइप का पेयर ऑफ शूज़। तो ये मेरा लास्ट परचेज था, जितने भी मैंने आपसे शेयर किया सारे में ये मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी टू वेयर लगता है और इसे मैं आजकल खूब जम के यूज कर रही हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मैं इसे ही डाल के, चाहे मैं मुझे मॉल भागना हो, मार्केट भागना हो, कहीं भी जाऊँ मैं इसे ही पहनना प्रीफर करती हूँ। तो ये था मेरा लास्ट परचेज जो कि अगेन मिंत्रा से था और इसके ब्रांड मुझे याद नहीं है और यहाँ पे भी मैंने इतना पहना है कि निकल गया है। तो मैं सारे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो सारे का प्राइस और साइज। जहाँ तक मुझे लगता है सारे साइजेज अभी अवेलेबल हैं और कुछ और भी चल रहा है और मिंत्रा पे जल्दी ही 24 जुलाई आज 24 जुलाई है शायद 24 जुलाई से सेल भी आने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जाइए और सेल का फ़ायदा उठाइए। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो भी आपको ज़्यादा पसंद आया होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा बेली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे ये लोफर्स सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगे और ये शूज़, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहे हैं और इसे तो मैंने बस ट्राई किया है लेकिन उसे तो मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ तो उसका रिव्यू मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी रिव्यू वीडियो में या ब्लॉग में, दोनों आपके इस चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो बस एक थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।